संघी और भाजपी लोग आज देश को जब आए थे तो बड़े बड़े वादे थे उनके, महंगाई की मार, रब की बार, वो क्या क्या नहीं बोलते थे, पेट्रोल डीजल के बारे में, वो रुपया गिरता है तो साख प्रधानमंत्री की गिरती है, ये सब भाषा ये लोग बोलते थे। यही भाषा बोलने वाले लोग आज पूरे भारत में महंगाई को इस कदर उस स्थिति में ले गए हैं और कोरोना काल में इस भारत को इस दशा में झोंक दिया है और भारत की इकोनॉमी जो है उसकी कमर तोड़ दी है। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा, केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल। पेट्रोल डीजल गैस की बढ़ती कीमतों और कमरतोड़ महंगाई मोदी सरकार की गलत नीतियों का नतीजा। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल रही है और पेट्रोल डीजल गैस की कीमतों में बढ़ोतरी एवं कमरतोड़ महंगाई के लिए केंद्र सरकार की गलत आर्थिक नीतियों का ही नतीजा है। कांग्रेस सेवादल के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालजी देसाई अजमेर प्रवास के दौरान पत्रकारों से औपचारिक बातचीत कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पिछले 15 दिनों में पेट्रोल 3 रुपये और डीजल 3 रुपये 42 पैसे महंगा हो गया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि बहुत हो गई महंगाई की मार, अब तो शर्म करो मोदी सरकार। उन्होंने कहा कि कोरोना संक्रमण के कारण आम आदमी का बजट पहले ही बिगड़ा हुआ है और मोदी सरकार पेट्रोलियम पदार्थों के दाम बढ़ाकर देश में महंगाई को बढ़ावा दे रही है, जिससे आम आदमी त्रस्त है। उन्होंने कहा कि पेगासस लोकतांत्रिक अधिकारों का हनन है, अगर जासूसी नहीं हुई तो केंद्र सरकार जांच से पीछे क्यों हट रही है। देसाई ने कहा कि जब केंद्र सरकार ने कुछ किया नहीं तो सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में जांच होनी चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार जांच से बच रही है। उन्होंने कहा कि देश भर में भाजपा को कोई राजनीतिक चुनौती दे सकता है तो वह कांग्रेस है। केंद्र की मोदी सरकार हर मोर्चे पर विफल है, जनता भी बदलाव चाहती है। उन्होंने कहा कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष एवं लोकतांत्रिक देश है। केंद्र की मोदी सरकार अल्पसंख्यक समाज के लिए दोहरी नीति अपना रही है। मोदी सरकार की कथनी और करनी में फर्क है। इस अवसर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव एवं राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा, कांग्रेस सेवादल राजस्थान के मुख्य संगठक हेम सिंह, प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष व पूर्व विधायक पूर्व मंत्री नसीम अख्तर इंसाफ, वरिष्ठ कांग्रेसी नेता महेंद्र सिंह रावत, राजेंद्र गोयल, महिला कांग्रेस सेवादल राजस्थान की कार्यवाहक अध्यक्ष द्रौपदी कोहली, अजमेर शहर कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक देशराज मेहरा, देहात कांग्रेस सेवादल के मुख्य संगठक जयशंकर चौधरी, प्रदेश सचिव लोकेश शर्मा, अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान महासचिव शिव कुमार बंसल, महेश चौहान, सागर मीणा, सुनीता चौहान, गजेंद्र सिंह रलावता, रवि शर्मा, रोहित चौहान सहित कई कांग्रेसजन मौजूद रहे। हमारे साथी और प्रदेश के सेवादल के अध्यक्ष भाई हेम सिंह और हमारे राष्ट्रीय सचिव और राजस्थान के प्रभारी विष्णु शर्मा जी, हमारे उपाध्यक्ष कमल कल्ला जी और हमारे महिला सेवादल की बहन द्रौपदी जी जो वर्किंग प्रेसिडेंट के तौर पे अभी नियुक्त हुई हैं, और हमारे जिला के और शहर के सेवादल के अध्यक्ष और सभी साथी कांग्रेस के सभी कार्यकर्ता, बड़ी खुशी की बात है कि कल जो है यहाँ पर जवाहर फाउंडेशन की ओर से और ख़ास करके रिजिजू की ओर से इस देश के अंदर जो अन्य समस्या के संदर्भ में लोग बाकी चर्चाएँ करते हैं पर 1 रुपये में लोगों के लिए थाली वाला पूरा कॉन्सेप्ट के साथ 500 से ज़्यादा लोग एक मतलब वहाँ पर एक साथ एक दिन में खा सकते हैं, उस प्रकार की व्यवस्था, और उसके अलावा कोरोना के समय में उन्होंने बहुत सारी जगह पे सेवा प्रवृत्ति की और उसी प्रकार से कोरोना वॉरियर्स का यहाँ पर सम्मान का कार्यक्रम भी है। तो मुझे खुशी है कि मैं एक ऐसे जनसेवा के कार्य में यहाँ पर मौजूद होने का मुझे मौका मिला है। इस देश को ज़रूरत है राष्ट्र निर्माण और इस देश की भारत की विचारधारा के साथ काम करने की और जनसेवा की। देश में कुछ आज उल्टा हो रहा है। राष्ट्रवाद से नाम से चुनाव की दिल्ली की गद्दी पर पहुंचने वाले लोग राष्ट्रवाद से धर्मवाद पे आते हैं, धर्मवाद से फिर जो है वो जातिवाद पे आते हैं, और जातिवाद से फिर वो खुद अपने खुद मैं पर आके रुक जाते हैं। ऐसी विचारधारा वाले संघी और भाजपी लोग आज देश को जब आए थे तो बड़े बड़े वादे थे उनके, महंगाई की मार, रब की बार, वो क्या क्या नहीं बोलते थे, पेट्रोल डीजल के बारे में, वो रुपया गिरता है तो साख प्रधानमंत्री की गिरती है, ये सब भाषा ये लोग बोलते थे। यही भाषा बोलने वाले लोग आज पूरे भारत में महंगाई को इस कदर उस स्थिति में ले गए हैं और कोरोना काल में इस भारत को इस दशा में झोंक दिया है और भारत की इकोनॉमी जो है उसकी कमर तोड़ दी है। सो गरीब और मध्यम वर्ग के लोग हैं उनके लिए जीना दुष्कर बन गया है, छोटे व्यापारियों का व्यापार ठप हो जा रहा है, देश की इकोनॉमी बर्बाद कर दी गई है, युवाओं को बेरोजगारी की गर्त में डाल दिया है, किसानों को जिस प्रकार से इसी भारत के गृहमंत्री का बेटा खुद कुचल दे अपने
गाड़ी के पहिए के नीचे रौंद दे, वो ऐसी घटना इस देश में पहली बार हो रही है। तो ऐसी विषम परिस्थिति में इस प्रकार की जनसेवा और राष्ट्र के प्रति एक समर्पण दिखाने का जो कार्य है, उस कार्य में मौजूद रहने का मुझे अवसर मिला, मैं उसकी खुशी व्यक्त करता हूँ। साथियों, देश जो है वो दो प्रकार की लड़ाई आज लड़ रहा है। एक जो लड़ाई है वो ये है कि जाति, धर्म, प्रदेश और भाषा के नाम पर इस देश को लगातार बांटना, भय का एक साम्राज्य बनाना, और वो भय के साम्राज्य के तले बुश और ट्रंप वाली जो सोच है, उसी थियरी के तहत इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन का कुशासन चल रहा है। आप सीधी बात समझ सकते हैं, इस देश के अंदर दुर्योधन और दुशासन वो दो पात्र कुपात्र आज कौन है। जिस देश के अंदर, जिस देश का गृहमंत्री जिसको कोर्ट ने तड़ीपार किया हो, अगर वही तय करेगा कि इस देश का शासन व्यवस्था क्या होगा, तो हम समझ सकते हैं कि उसी का असिस्टेंट उसी को फॉलो करेगा। परिवार का मुखिया जो करेगा, वही परिवार के बाकी लोग करेंगे। तो जिस भारत के गृहमंत्री और प्रधानमंत्री गोधरा से लेकर पुलवामा तक के पूरे षड्यंत्र में शामिल हो, उस देश की जनता सुरक्षित नहीं हो सकती है। तो आज सवाल है देश के अंदर जनता की सुरक्षा का, भारत के गरीब और मध्यम जो है उनको दो टाइम खाने को लेकर, युवाओं के रोजगार को लेकर। आप सब जानते हैं, जब भी चुनाव आता है तो भारत पाकिस्तान, हिंदुस्तान मतलब हिंदुस्तान पाकिस्तान, और हिंदू मुसलमान, स्मशान कब्रिस्तान, अली और बली मुद्दों को भटकाकर, जनता के इमोशन से खिलवाड़ करके, जनता के शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और अन्न और सुरक्षा, सब मुद्दे जो है उसको साइड कर देते हैं। मैं मानता हूँ किसी भी राजनीतिक पार्टी हो, चाहे कांग्रेस पार्टी हो, भाजपा हो, अन्य पार्टियाँ हो, जनता के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। आज देश को भटकाया जा रहा है, और लखीमपुर खीरी की घटना आप सबके सामने है कि देश को दूसरी आज़ादी के जंग की ज़रूरत है। हम सब, आप सब एक ऐसे राज्य में रह रहे हैं कि जहाँ पर कांग्रेस का सुशासन होने की वजह से एक अलग स्थिति में आज देख रहा हूँ कि हम लोग सब बिना मास्क यहाँ बैठ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोरोना के संदर्भ में जिस प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री गहलोत सरकार जो है, उन्होंने जिस प्रकार का कार्य किया है, पूरे देश और दुनिया में इसकी सराहना होती है, और दूसरी तरफ देश के अंदर कुछ और हाल है। तो इसी संदर्भ में हम लोग आगे, आपके कुछ सवाल होंगे तो हम जरूर चर्चा करेंगे, और नहीं तो मैं मानता हूँ कि ये प्रचारक वर्सेस विचारक की लड़ाई है। सेवादल आज देश भर में 12,000 से उठकर अब 370,000 का हमारा नव युवाओं का, महिलाओं का सेवादल बन रहा है। रात दिन प्रशिक्षण कैंप कहीं ना कहीं चल रहे हैं। तो सभी पत्रकार साथी बहुत जगह पे पूछते हैं कि आप क्यों अचानक से उभर के आए और क्यों ये सेवादल आज देश भर में दिखने लगा है। भाई हम सिंह हमारे बगल में है, किसान के समर्थन के लिए 9,000 किलोमीटर की पूरे राजस्थान में हमारे अलग अलग साथियों ने जो है वो यात्रा की है। कोई सोचेगा तो राजस्थान के 9,000 किलोमीटर कैसे, पर हम जिले जिले में, तहसील तहसील में हमारे कार्यकर्ता गए किसानों के समर्थन के लिए। हम हर आंदोलन के लिए, जनता की जो लड़ाई है वो लड़ने के लिए सेवा दल तैयार कर रहे हैं। और ये कह रहे हैं कि आरएसएस संघी जो है, मैं संघी तालिबानी नाजी सोच वाले लोग बोलता हूँ, आप आराम से खुल के बोलता हूँ कि संघी हो, तालिबानी हो या नाजी हो, मूल सोच एक ही है, सत्ता में पहुँचने के लिए जनता को डराओ, जनता को बांटो और सत्ता की गलियारों में आगे बढ़ो। ये सोच उन्हीं की वही है, यही सोच वाले लोगों के खिलाफ। और आप देखिए, उनका सबसे बड़ा पद होता है प्रचारक का। प्रचारक का मतलब होता है अच्छे भले ज्ञानी इंसान को आरएसएस वाले बड़ी मेहनत के बाद उसको प्रचारक बनाते हैं। बड़ी मेहनत के बाद प्रचारक बनाना भी आसान नहीं है। खुद सोचने वाले बंदे को अंधभक्त बना देना, वही देखे वही सुने जो उनके आका कहते हैं और वही बोले जो उनके आका कहते हैं, तो ये आसान काम नहीं है। उन्होंने भी प्रचारक अंधभक्त तैयार करने के लिए बड़ी मेहनत की है। हम लोग विचारक तैयार करते हैं कि हमारे कार्यकर्ता हैं विचारक होंगे, वो तय करेंगे कि सही क्या है, गलत क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, इस देश के लिए क्या करना चाहिए। तो इस प्रकार की ये प्रचारक वर्सेस विचारकों की लड़ाई है। उस लड़ाई में आप सबके सहयोग की जरूरत है। आप सबका धन्यवाद।